स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर दो ही फोन इस बार हमने ला के रखे हैं Vivo की तरफ से और एक यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर जो फोन Vivo की Y सीरीज जो है वो ऑफलाइन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है और Vivo की V20 सीरीज का है यहाँ पर एक जो लाइट वर्जन आया था Vivo का V20 SE। तो उन्हीं दोनों फोन का यहाँ पर कंपेरिजन करने वाले हैं हम, क्योंकि एक जो फोन का प्राइस पॉइंट है लगभग यहाँ पर 18,000 कीमत में देखने को मिल जाएगा और दूसरा जो फोन Vivo का V20 SE है ये आपको 21,000 कीमत में देखने को मिल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर से हैं। अब क्या चेंजेस किए हैं कंपनी ने वहीं जानेंगे समझेंगे, तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दो ताकि आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन का अपडेट आप सब। जैसे कि दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्लियर किया था आपको कि यहां पर दोनों ही फोन में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी क्योंकि प्राइस पॉइंट ज्यादा चेंजेस नहीं है और उसी के साथ जो कैमरा पैटर्न है एक तरफ फोन में Vivo की X50 जो काफी ज्यादा हैवी रेंज में फोन आता है उसी तरह का आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है और Vivo के V20 SE में एक के नीचे एक तीन कैमरा आपको देखने को जाएंगे। दोनों ही फोन बड़ी साइज में आपको देखने को मिलते हैं लेकिन आप इन हैंड फील यहां पर काफी अच्छे यहां पर इसमें फील कर पाएंगे। दोस्तों दोनों ही फोन यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर नजर करते हैं जैसे हम, तो यहां पर दोनों ही फोन में आपको पंच होल वाली फैसिलिटी तो नहीं मिलती लेकिन एक तरफ तो यहां पर IPS LCD पैनल आपको नजर आएगा 6.58 इंच के साथ जो साइज है फोन की डिस्प्ले की, और उसी के बाद अगर मैं बात करूं Vivo के V20 SE की तो 6.44 इंच के साथ यहां पर हमें AMOLED रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। Vivo V20 यहां पर प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ड्रॉप करता है बट यहाँ पर डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कंपनी यहाँ पर हमारे इन फोन में करती आ रही है। तो यहाँ पर बड़े साइज़ का फ़ोन है और दोनों ही फोन में डिस्प्ले का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। और उसी के बाद अगर हम फोन के अंदर की बात करें कैमरास को लेकर, तो कैमरा के मामले में दोनों ही फोन काफ़ी अच्छे से हैं क्योंकि 20,000 से 21,000 की प्राइस पॉइंट में हमें इतना तो कैमरा यहाँ पर रेजोल्यूशन फोन में चाहिए होता है। तो जैसे कि बात करें अगर Y51 की 48 का प्राइमरी लेंस दिया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस डेप्थ मैक्रो शॉट है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया है। Vivo के V20 SE की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करें दोनों इसके फोन की भी तो 48 का प्राइमरी लेंस है, 8 मेगापिक्सल का सिमिलर सा वही मैक्रो शॉट और वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है। और उसी के बाद अगर हम चलें फ्रंट साइड पे तो डिस्प्ले में यहाँ पर फ्रंट सेल्फी जो है फोन की थोड़ी सी चेंजेस हैं। एक तरफ हमें यहाँ पर Vivo के V20 SE में जो है वो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और Y51 में इसे घटाकर 16 मेगापिक्सल पे कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से ये फोन है तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें कम हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ थोड़ा सा आगे चलो और बात करें फोन के परफॉर्मेंस को क्वालिटी को लेकर, तो परफॉर्मेंस दोनों ही फोन का यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर देते हैं। तो Vivo के Y51 में अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिलता है और उसी के साथ एंड्रॉइड 10 के ऊपर ये फोन बेस्ड है। Vivo के V20 SE की अगर हम बात करें तो ये फोन आपको 665 सिमिलर सा ही प्रोसेसर इस फोन में भी आपको नजर आ जाएगा, ये फोन भी आपका एंड्रॉइड 10 के ऊपर यहाँ पर बेस्ड है। तो जैसा कि दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा चेंजेस नहीं है, प्लस कैमरा भी हमें सिमिलर सा मिलता है, फ्रंट सेल्फी में थोड़ा चेंजेस है और बैक चल के बात करेंगे तो प्राइस पॉइंट जो है फिर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन सा फोन आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो। जैसा कि दोस्तों आजकल हमें चाहिए लॉन्ग टर्म बैटरी ड्यूरेशन वाला फोन, सो अगर चाहते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा आपकी बैटरी जो है लंबे समय तक चले, तो दोनों ही फोन के जो बैटरी कैपेसिटी है Vivo के Y51 में हमें 5000 mAh की बड़ी से बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी का सपोर्ट भी है, 18W का फास्ट चार्जर फोन में दिया गया है। उसी के बाद अगर Vivo के V20 SE की बात करें थोड़ा सा बैटरी बैकअप यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है, 4100 mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही साथ चार्जर की कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी हुई है, 33W का फास्ट चार्जर जो कि Vivo के V20 में नजर आया था वही हमें यहाँ पर Vivo के V20 SE में देखने को मिल जाएगा। तो उसी के बाद अगर आपके सामने प्राइस पॉइंट दोनों ही फोन के अगर हम क्लियर से करें और बात करें अगर थोड़े नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो यहाँ पर जो है Y51 18,000 की कीमत में 8GB 128GB दे देता है। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव मुझे डिस्प्ले को अगर ले लें हम तो इस प्राइस पॉइंट में हमें थोड़ी और अच्छी डिस्प्ले प्लस परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता था। वहीं अगर मैं बात करूँ Vivo के V20 SE की, यह 8GB 128GB आपको 21,000 की कीमत में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले तो ठीक ठाक है लेकिन अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस क्वालिटी को लेकर तो इस प्राइस पॉइंट पर हमें और भी बेटर सा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता था। तो इन दोनों फोन को लेकर यहाँ पर क्या आपकी राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 18 से 20,000 की कीमत आप चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।